हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे कॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं तो कॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में होता क्या है इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु हुईन जो ज्वाइन करते हैं टुगेदर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल मैकेज फार्मिंग तो बेसिकली छोटे छोटे फार्मर्स आपस में मिल जाते हैं और उनको बेनिफिट्स क्या होते हैं वो अपनी सारी आउटपुट मिला लेते हैं और बल्क में बेचते हैं ताकि उनकी बारगेनिंग पावर वगैरह बढ़ जाए और उनको अपने जो प्रोड्यूस है उसका अच्छा जो कीमत है वो मिल जाए ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर कॉपरेटिव इसको एग्रीकल्चर कॉपरेटिव भी कहा जाता है इसका मेन मकसद क्या है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स टू गेट बेनिफिट्स ऑफ मकेनाइज फार्मिंग तो बेसिकली छोटे छोटे फार्मर्स की हेल्प करती है कि वो अपनी जो प्रोड्यूस है उसको बेचेंगे तो सही नंबर वन नंबर टू मैकेनाइज फार्मिंग के लिए उनको फ़ायदा हो जाता है जैसे उन्होंने मशीनें ख़रीदनी है या उन्होंने हाई फाई तरीके से अपनी फार्मिंग करनी है तो उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो अपना जो है पैसा लेके जो महंगे इनपुट्स हैं या जो महंगी मशीन्स है वो ख़रीद सकें तो वो करते क्या है कॉपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं उसके अंडर वो सोसाइटी वो सारी चीज़ें परचेज करती है और हेल्प करती रहती है स्मॉल फार्मर्स की उनको प्रोवाइड करती रहती है प्रोवाइडिंग इम्प्रूवड सीड्स फर्टिलाइजर्स इरीगेशन फैसिलिटीज़ एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स तो सोसाइटी क्या करती है बल्क में वो सामान खरीद लेती है और फिर वो जो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको uh, सोशली एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है क्योंकि उनका माल अच्छे रेटों पे बिक भी जाएगा उनको सस्ते में लोन भी प्रोवाइड कर देती है और कई फैसिलिटीज़ देती हैं जिससे उनकी स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी हेल्प हो सके ठीक है उनको एग्जिस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो आएगी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर टिल देन टेक केयर हैव है